नमस्कार। अभी मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना गया। हर इंसान को छोटा या बड़ा दान करना चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन दान भी किस प्रकार का होना चाहिए यह आपको ध्यान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तीन तरह के दान बताए हैं, वो तीनों तरह के दान आज मैं आपको बताऊंगा और कौन सा दान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। मकर संक्रांति पर लोग क्या करते हैं पता है आपको? दान करते हैं। मैं अपने मोहल्ले में, मैं अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव में भी बताता हूं, मैं क्या करते हैं। लेडीज दान करती है तो क्या करती है, अपने मोहल्ले वालों को दान कर देती है, आपस में एक दूसरे को दान कर देते हैं। इज इट डोनेशन? क्या यह रियल दान है? आप अपने ही रिश्तेदारों को, आप अपने ही पड़ोसियों को मकर संक्रांति पर घर घर जाकर दान कर रहे हो, क्या वो दान के पात्र हैं? क्या उस दान का आपको बेनिफिट मिलेगा? क्या उस डोनेशन को आपको फायदा मिलेगा? क्या गीता में यही दान बताया गया है? अगर आप इस तरह से दान करते हो तो इस दान का कोई महत्व नहीं है मकर संक्रांति पर। दान कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया गया। अब आप देख लेना, मैं तीन तरह के दान बताऊंगा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, वो आप किस तरह का दान करते हो या आप अपने आप देख लेना। नंबर वन, पहला दान जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, राजस दान। राजस दान यानी राजा की तरह दान देना। राजा की तरह दान देना है कि कामना के साथ में दान देना। किसी को आप दान दे रहे हो तो मन में यह इच्छा रखना कि मुझे भी कुछ इसका फायदा मिले, मुझे भी इसका कुछ बेनिफिट मिले। मन में कुछ कामना रखकर दान देना वह राजस दान कहलाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी संस्था क्या करती है, किसी एनजीओ को डोनेशन देती है। इसके बदले कंपनियां क्या करती हैं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। कौन सा फायदा उठाते हैं? इनकम टैक्स बचाने का, अपने आप को फेमस होने का यह फायदा उठाते हैं। मतलब वो कामना के साथ में दान दे रहे हैं, बिना कामना के वो दान नहीं दे रहे, वो दान के बदले कुछ पाने के लिए दे रहे हैं। वो इस हाथ दान दे रहे और इस हाथ कुछ ले रहे हैं, तो यह दान क्या हुआ, ये राजस दान हुआ। सेकंड, तामस दान। तामस दान यानी तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान, बिना किसी पात्र व्यक्ति को दिया गया दान। मतलब हर किसी को दान देना, जो आ रहा है किसी को देना, और दान में कोई अपना विनम्रतापूर्ण भाव न रखना, तिरस्कार पूर्वक दान देना। चल ले यार, तेरे को दान दिया यार, चल मेरी तरफ से दिया, और फिर वापिस वो दान को जताना, बार बार लोगों को बताना कि मैंने उसको ये दिया था, मेरी वजह से ये हुआ था, मैं नहीं होता तो वो क्या होता। अपने दान को बार बार जताना, तिरस्कार पूर्वक दान देना और पात्र व्यक्ति को दान न देना, यह तामस दान कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण में सबसे नंबर वन दान कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि हर इंसान को, हर मनुष्य को यह दान करना चाहिए, सात्विक दान। आपको दान करना है तो सात्विक दान करना। सात्विक दान कैसा होता है देखिए, बिना कामना के दान देना, पात्र व्यक्ति को दान देना, उचित स्थान देखकर दान देना, उचित समय देखकर दान देना, यह सात्विक दान कहलाता है। और यही मनुष्य के लिए सबसे अच्छा दान होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। दान दो तो बिना कामना के दान देना। आप किसी को दान दे रहे हो तो वापस ये कामना मत रखना कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, नेकी कर और दरिया में डाल, किसी का भला करो, किसी का दान करो, किसी को भी दान करो, वापस उससे कुछ पाने की उम्मीद मत रखना, यह सात्विक दान है। और दूसरा, पात्र व्यक्ति को दान देना, जो वाकई में नीडी हो, जिसको वाकई में दान की जरूरत हो उसको दान देना, जिसको कोई जरूरत नहीं हो और ऐसे ही आप दिखावे के लिए उसको दान कर रहे हो तो वह दान आपके लिए कुछ काम नहीं आएगा। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दान है तो सात्विक दान। अगर किसी को दान दो तो बिना कामना के दान देना, पात्र व्यक्ति को दान देना,
और वापिस उससे कुछ पाने की इच्छा मत रखना। यही दान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है गीता में। वरना तो आप मकर संक्रांति पर लाखों रुपए का दान करते हो, बहुत से अटम चरम आप दान करते हो और वापिस पाने की कामना रखते हो। बहुत सी औरतें क्या करती, अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को दान कर देती, कुछ भी छोटा मोटा दान करती, वापिस उसी दिन वो भी कुछ पाने की कामना रखती है। अरे यार, मैंने तो उसको ये दिया था, उसने मेरे को नहीं दिया, तो ये क्या, ये दान थोड़े ही हुआ। आप किसी को दान दे रहे हो और वापिस लेने की इच्छा रख रहे हो और पात्र व्यक्ति को दान नहीं दे रहे हो। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस मोहल्ले में आपके आसपास सब संपन्न है, उनको आप दान दे रहे हो मकर संक्रांति पर, तो वह दान आपका कैसे महत्वपूर्ण दान हुआ। लाइफ में कभी भी दान करो तो सात्विक रूप से दान करना, बिना कामना के, बिना कुछ पाए हुए उम्मीद के दान करना और पात्र व्यक्ति को दान देना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही दान सबसे महत्वपूर्ण बताया है, सात्विक दान।